नमस्कार दोस्तों, आइए आज समझते हैं हम वीर यानी सीमेन के पैरामीटर्स के बारे में और कैसे हम उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी बेटर कर सकते हैं या बेहतर कर सकते हैं। यह एक बहुत जरूरी सवाल है जो बहुत ही पुरुषों को परेशान करता है और पुरुष सबसे ज्यादा इसके बारे में बात करने से हिचकते हैं। ऐसे तो वो दुनिया की बातें कर लेते हैं, बट जब इन सेंसिटिव चीजों की बात आती है तो वह बात करना नहीं चाहते हैं। मैं डॉक्टर गुंजन गुप्ता गोविल, एक फर्टिलिटी टेस्ट ट्यूब बेबी एंड लैप्रोस्कोपिक एक्सपर्ट हूँ। वी हैव गुंजन IVF वर्ल्ड जो कि इंदिरापुरम एंड मेरठ में है। तो आइए आज बात करते हैं हम सीमेन क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में। कैसे हम इसका काउंट बढ़ा सकते हैं, क्या हम कुछ ऐसी चीजें खा सकते हैं जिससे ये इम्प्रूव हो जाए, क्या हमारे लाइफस्टाइल में कोई चेंजेस हो सकते हैं जो हम कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे वीर्य या सीमेन के बेसिक पैरामीटर्स के बारे में। कब हम सीमेन को हेल्दी कहेंगे या स्पर्म क्वालिटी ठीक कहेंगे। मैं पहले आपको बेसिक सीमेन के पैरामीटर्स या मापदंड के बारे में बताना चाहूंगी, जिससे हमें यह पता चल सकता है कि जो वीर या सीमेन है वह हेल्दी है कि नहीं है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टडी हुई है यूरोप में एंड अमेरिकन कंट्रीज में, जिसने ये दिखाया है कि 1973 से 2011 के बीच में जो सीमेन पैरामीटर्स हैं उनकी क्वालिटी 60% ऑलमोस्ट डिक्रीज हुई है या कम हुई है। तो चार इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स या मापदंड क्या है। सबसे पहले होता है स्पर्म काउंट, यानी हमारे जो सीमेन में कितने शुक्राणु या स्पर्म्स हैं। अगर ये 15 ml पर ml से कम होता है तो इसको लो माना जाता है और इसके लो होने पे नेचुरल फर्टिलिटी होने में मुश्किल हो सकती है एज पर द WHO। ऑल्सो हम कहते हैं अगर ये 39 मिलियन से कम है पर इजैकुलेट, मतलब एक बार जो आपने स्क्रन किया उसमें अगर ये 39 मिलियन से कम है तो भी इसको हम लो काउंट में कहते हैं। इसके अलावा आता है आपकी स्पर्म मोर्टिलिटी। हम जानते हैं कि जो अंडा रिलीज होता है या ओसाइट होती है फीमेल में, उसमें कोई मोर्टिलिटी नहीं होती है। स्पर्म को ही इनिशिएटिव लेना होता है और वो तैर के एग तक पहुंचता है, तभी फर्टिलाइजेशन होता है। इसलिए जो स्पर्म की गति है या चाल है उसको आगे की तरफ होनी चाहिए, यह बहुत जरूरी है। इस चीज को हम स्पर्म मोर्टिलिटी कहते हैं। इसके अलावा जो टोटल क्वांटिटी है, दैट इज सीमेन क्वांटिटी या वीर्य की क्वांटिटी है, वह 2 से 5 ml के करीब होनी चाहिए। इसके अलावा एक और चीज जो जरूरी है वह है स्पर्म या शुक्राणु की कटकाटी, जिसको हम मॉर्फोलॉजी के नाम से कहते हैं, यह भी नॉर्मल होनी चाहिए। स्पर्म और सीमेन पैरामीटर्स के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज्यादा डिटेल में अपडेट करूंगी। अभी हम इस वीडियो के जरिए बढ़ते हैं कि हम कैसे जो स्पर्म की क्वालिटी है और क्वांटिटी है कैसे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले हम उन चीजों के बारे में जानते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। फर्स्ट इज स्मोकिंग। 2016 में एक मेटा एनालिसिस, दैट इज बहुत सारी रिसर्च को एग्रीगेट करके पाया गया था कि जो लोग हेविली स्मोक करते हैं और रेगुलरली स्मोक करते हैं उनका डेफिनेटली जो सीमेन पैरामीटर्स होते हैं, जो क्वालिटी ऑफ स्पर्म्स है, क्वांटिटी है और उसकी मॉर्फोलॉजी, सारे पैरामीटर्स जो हैं खराब हो जाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर आप स्मोकर हैं तो आप जो है स्मोकिंग बंद कर दीजिए एज फार एज पॉसिबल। यह आपकी सीमेन क्वालिटी के लिए अच्छा नहीं होता है। अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है स्मोकिंग छोड़ने में तो आप निकोटीन पैचेस, च्युइंग गम्स इनका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके द्वारा काफी हद तक हमारा जो है स्मोकिंग की हैबिट छूट जाती है।
इसके अलावा भी स्मोकिंग के हम सब जानते हैं मल्टीपल साइड इफेक्ट्स है, तो ये चीज अच्छी रहेगी। दूसरे ही हम बात करते हैं अल्कोहल के बारे में। जो CDC कमिटी है उसने क्लियरली कहा है कि मॉडरेट अमाउंट से ज्यादा अल्कोहल पीने से हमारी जो स्पर्म क्वालिटी है वह खराब होती है। मॉडरेशन में हम कहते हैं ड्रिंकिंग मोर देन 2 drinks per day। तो कोशिश करिए अगर आप अल्कोहल ना लें, क्योंकि वह बहुत सारी चीजों में शरीर पे इफेक्ट करता है, और अगर आप लेते हैं तो उसकी मात्रा एटलीस्ट कम जरूर कर दीजिए। हमारे सोसाइटी में आजकल ज्यादा से ज्यादा ड्रग्स का इंटेक बढ़ गया है, स्पेशली हमारे यंगस्टर्स नॉट रियलाइजिंग कॉलेज डेज में जो वीड है, मैरिजुआना है, कोकेन है, ना जानते हुए उसके कितने साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, खेल खेल में कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर वो यह नहीं जानते कि आगे चल के आपकी जिंदगी में ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रॉब्लम ला सकता है। यह आपके जो स्पर्म्स हैं, जो सीमन है, उसको डैमेज कर सकता है, इसलिए आप इन चीजों से दूर रहें तो ज्यादा अच्छा है। कुछ दवाइयां भी हैं जो दी जाती हैं जिससे हमारी सीमन काउंट जो है, स्पर्म काउंट, वो कम हो जाता है। ये ड्रग्स होती हैं जैसे आपके डिप्रेशन की दवाइयां होती हैं, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स कहते हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह पे भी ये कम होता है, इसके अलावा स्टेरॉइड्स के लेने से। यहाँ पे मैं एक महत्वपूर्ण पॉइंट देना चाहूंगी कि बहुत सारे पुरुष अपनी बॉडी बिल्डिंग के चक्कर में क्या होता है, ये प्रोटीन शेक्स और स्टेरॉइड्स लेते हैं मसल्स बढ़ाने के लिए। इनको हम एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स कहते हैं, इवन स्पोर्ट्स पर्सन लेते हैं, मगर ये जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते हैं ये आपके स्पर्म्स का जो प्रोडक्शन है हमारी बॉडी में उसका डिप्रेशन करते हैं, मतलब उसे कम करते हैं और परमानेंटली भी लो कर सकते हैं। इसलिए अगर आप जिम लवर हैं, एक्सरसाइज करना अच्छा है, बट अगर आप अपनी बॉडी बिल्ड करने कोशिश कर रहे हैं तो प्लीज कोई भी शेक्स और ये दवाइयां लेने से पहले अपने जिम इंस्ट्रक्टर से प्रॉपरली पूछ लीजिए या किसी डॉक्टर की सलाह ले लीजिए, और एटलीस्ट कुछ नहीं तो पीछे जो डिस्क्लेमर लिखा रहता है उसको जरूर पढ़ ही लीजिएगा, ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपके कुछ एंटी एंड्रोजेंस होते हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट वगैरह के समय ली जाती हैं, उन दवाइयों से भी स्पर्म का डिप्रेशन होता है। ये चीज मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आप इन दवाइयों पे हैं तो आपको पता रहेगा कि आपका स्पर्म काउंट इस वजह से कम है, और अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपको ये दवाइयाँ या तो आपकी डॉक्टर की सलाह से कम करवानी पड़ेंगी या बंद करनी पड़ेगी। इसके आगे बढ़ते हुए जो हमारे सोए प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आपका सोयाबीन है या फिर सोया मिल्क है, इन सब में भी हाई ईस्ट्रोजन कंटेंट होता है, तो ज्यादा मात्रा में ये चीजें लेने से हमारा जो स्पर्म काउंट है वह कम हो सकता है। तो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो कोशिश करिए इन चीजों को ना लें, या आपका काउंट कम है तो इन चीजों को अवॉइड करिए। पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल एरिया में अगर हम रहते हैं, इन चीजों का भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है हमारे स्पर्म क्वालिटी पे। अनदर इम्पॉर्टेंट चीज जो है, हॉट एनवायरनमेंट है, कंटिन्यूस वाइब्रेशंस हैं, मतलब आप बहुत टाइट अंडरगार्मेंट्स अवॉइड करिए पहनना। दूसरा, अगर आपको बाथटब में नहाना पसंद है तो हॉट टेम्परेचर अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे जो टेस्टिकल्स हैं वो छोटे हो जाते हैं और इससे स्पर्म काउंट जो है कम हो जाता है। आजकल बहुत लोग IT में काम कर रहे हैं, इसके अलावा हम मोबाइल फोन एक हमारी दिनचर्या का हिस्सा है, लैपटॉप हम के साथ हम पूरी दिन रहते हैं, तो लैपटॉप को अपने थाइस पे, जांघों पे रख के काम बिल्कुल ना करें, उसे थोड़े डिस्टेंस पे टेबल पे रखें, मोबाइल फोन को प्रेफरेबली फ्रंट पॉकेट में ना रखें। ये सारे छोटे छोटे चेंजेस जो है हमारे स्पर्म काउंट को इम्प्रूव करने में, उसका नंबर इम्प्रूव करने में और क्वालिटी इम्प्रूव करने में मददगार होते हैं। तो ये तो बातें हो गई कि क्या नहीं करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज, एक्सरसाइज। आप कहेंगे हर चीज में मैं एक्सरसाइज की बात करती हूँ, हाँ जी, रेगुलर एक्सरसाइज के
दो महत्वपूर्ण रीजन है कि वह स्पर्म क्वालिटी और क्वांटिटी इम्प्रूव करती है, क्योंकि एक तो वो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देती है, तो हमारे जो टेस्टिकल्स हैं वो ज़्यादा अच्छा वर्क करते हैं, जो हमारी बॉडी स्पर्म्स प्रोड्यूस कर रही है वो ज़्यादा अच्छा प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा, एक्सरसाइज करने से आपकी जो ओबेसिटी है, आपका वजन जो ज़्यादा है वह कम होता है, और जो ओबेसिटी है या हाई वेट होने से आपका जो है स्पर्म काउंट वो कम हो सकता है। इसलिए अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, जो एक स्टडी हुई थी उसमें पाया गया था जिन लोगों ने 3 से 4 महीने एक्सरसाइज की थी रेगुलरली फॉर एटलीस्ट 1 आवर 3 times a week, उनमें भी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट मिला था सीमेन क्वालिटी और क्वांटिटी में। विटामिन डी का बहुत इम्पोर्टेंट एसोसिएशन है फर्टिलिटी से। 2019 में एक मेटा एनालिसिस हुई है जिसमें पाया गया है कि जिनकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी है जिन लोगों में, उनका जो सीमेन में स्पर्म काउंट है वह कम हो जाता है और क्वालिटी ऑफ स्पर्म भी अफेक्टेड हो जाती है। इसलिए आप अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, वह आपका टेस्ट करवा के विटामिन डी सप्लीमेंट्स दे देंगे। इसके अलावा बेसिकली हम इंडियंस की जो स्किन है वो ब्राउन होती है, इस वजह से जो सनलाइट का अब्सॉर्प्शन है वो रिलेटिवली कम होता है, इस वजह से हमारे सोसाइटी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी काफ़ी आम तौर से पाई जाती है। तो इसलिए विटामिन डी का सेवन करिए और कैल्शियम को लीजिए। एंटीऑक्सीडेंट्स का आपके स्पर्म और सीमेन क्वालिटी यानी आपके वीर्य पे बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। देखिए, जब हमारी बॉडी एक नेगेटिव रिएक्शन में चलती है, मतलब उसमें जो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जैसी चीज हो जाती है। अब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है, ये हम कहते हैं हमारे एक तरह से शरीर में या सेल्स में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज या एक नेगेटिव ऑक्सीजन बैलेंस बन जाता है। यह जो ROS है ये स्पर्म्स में और सीमेन में बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है, इसलिए एंटीऑक्सीडेंट्स लेने से हमारे सीमेन की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ती है। एंटीऑक्सीडेंट्स किस में होता है, बीटा कैरोटीन, आपका कोएंजाइम क्यू और विटामिन सी जिंक वगैरह से। इसलिए आप फ्रेश फ्रूट्स, हरी सब्जियाँ, कैरेट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स ये सब चीज़ें खूब लीजिए। हमारे अखरोट, आलमंड्स, इनमें भी जो आपके ओमेगा 3 और एंटीऑक्सीडेंट्स की काफ़ी अच्छी मात्रा पाई जाती है। टमाटर में एंटीऑक्सीडेंट्स काफ़ी अच्छी मात्रा में मिलते हैं। इसके अलावा आपके डॉक्टर आपको सप्लीमेंट्स दे देंगे जिससे हमारी ये चीज़ों का सप्लीमेंटेशन हो सके। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का भी इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारे स्पर्म क्वालिटी को इम्प्रूव करने में। तो ये सारे सप्लीमेंट्स लेना एक तरीके से सीमेन क्वालिटी को इम्प्रूव करने में मदद करता है। अब हम आते हैं कुछ हमारी हिंदुस्तानी देसी दवाइयों पे या हमारी आयुर्वेदिक चीज़ों पे। मेथी, मेथी इज अ रिच सोर्स ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मतलब मेथी यानी फेनुग्रीक सीड्स जो हैं, इनके लेने से यह पाया गया है कि हमारा जो स्पर्म की क्वालिटी और सीमन की क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है, हमारे शुक्राणुओं में पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। तो मेथी का सेवन आप कर सकते हैं, मेथी पानी, मेथी दाना या मेथी के कुछ एक्सट्रैक्ट्स मिलते हैं वो बाजार से आप ले सकते हैं। और अश्वगंधा, जिसको हम इंडियन जिंसिंग्स कहते हैं, रिसर्च हैज शोन कि 675 मिलीग्राम अगर 3 महीने तक लिया गया था उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिला था सीमेन की क्वालिटी और स्पर्म मोटिलिटी एंड मॉर्फोलॉजी एंड क्वांटिटी में। सो ये नेचुरल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारे स्पर्म काउंट को या क्वालिटी को इम्प्रूव करने में मदद कर सकते हैं। बट लास्ट में मैं बस ये कहना चाहूँगी, कुल मिला के क्या ले क्या ना ले इसका हम 100% नहीं कह सकते, मगर एक रेगुलर हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी खाने पीने से और रेगुलर एक्सरसाइज करने से आपका
जहाँ तक है वीर्य की क्वालिटी और क्वांटिटी बेहतर रहेगी। स्मोकिंग, अल्कोहल और कोकेन, वीड, इन सब चीजों से आप अपने आप को बचा के रखें। ये आपको पता नहीं है जिंदगी के किस किस मोड़ पे आपको परेशान कर सकते हैं। बट आखिरी में मैं ये कहना चाहूंगी, अगर आपका स्पर्म काउंट कम है तो प्लीज आप एक अच्छे फर्टिलिटी एक्सपर्ट से संपर्क जल्दी करें, क्योंकि कोई और परेशानियां या बीमारियां भी हो सकती हैं जिसकी वजह से ये कम हो सकता है। डॉक्टर आपको इवैल्यूएट करेंगे और जो आपकी बेस्ट मदद हो सकती है वह करेंगे, क्योंकि ये स्पर्म काउंट कई बार तेजी से कम आ सकता है, और अगर ये काफी कम हो जाता है तो आपको अपनी बेबी करने में परेशानी आ सकती है। इसलिए इस चीज का बहुत ध्यान रखिए कि अगर आपका स्पर्म काउंट लो है तो शर्माए नहीं, घबराए नहीं, बस एक डॉक्टर से, एक अच्छी फर्टिलिटी एक्सपर्ट से संपर्क करें। धन्यवाद। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और माय यूट्यूब चैनल इज गुंजन IVF वर्ल्ड। थैंक यू।